जिला प्रशासन द्वारा नगर निगम की मदद से विसर्जन कुंड तैयार किए गए हैं। तालाबों और विसर्जन कुंड में सभी इंतजाम किए गए हैं। गोताखोर और होमगार्ड की टीम प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए लगाई गई है। इस काम के लिए स्थानीय मछुआरों का भी सहयोग लिया गया है। विसर्जन कुंड और तालाबों तक पहुंचने वाले मार्गों पर पुलिस पेट्रोलिंग टीम तैनात की गई है, जो लगातार यहां पहुंचने वाली प्रतिमाओं और लोगों पर नजर रखे हुए। पुलिस द्वारा हनुमान ताल के 5 घाट में विसर्जन की व्यवस्था की गई है और इन घाटों पर 24 घंटे के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। यहाँ पर पुलिस बल स्विफ्ट के अनुसार जहाँ पर तैनात रहेगा और प्रोटोकॉल के नियमों के मुताबिक की देवी प्रतिमाओं के विसर्जन की अनुमति होगी। प्रशासन का कहना है कि लोग सौहार्द और शांति के साथ यह त्यौहार मनाए, इसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दे। भैया एक मिनट भाई, एक मिनट आराम से करो विसर्जन करो। शॉर्ट बना दे बस। विसर्जन का दौर जारी हो गया है, हनुमान ताल के प्रभारी के नाते क्या व्यवस्थाएं करी गई हैं, क्या लोगों को सहयोग किया गया है और क्या कार्रवाई करेंगे अगर कोई अगर गलत पाया गया, और समिति वालों को क्या दिशा निर्देश मिले हैं? पहले तो मैं हनुमान ताल तालाब में जितने भी घाट हैं, मुख्यतः 5 घाट हैं जिनमें विसर्जन होना है, तो मैं यहाँ की व्यवस्था के बारे में बताता हूँ कि सभी 5 घाट में हमने PA सिस्टम लगवाया है, जिसे स्पीकर के माध्यम से हम अनाउंस करते रहेंगे। इसके अलावा प्रत्येक घाट में 24 घंटे हमारा बल उपलब्ध रहेगा, जो कि शिफ्ट वाइज में लगा हुआ है। जब एक शिफ्ट चेंज होगी, दूसरी शिफ्ट आएगी, ऐसे करके प्रत्येक घाट में 24 घंटे हमारा बल उपलब्ध रहेगा। अंदर जो तालाब में है, यहाँ पे होमगार्ड का तैराक बल लगा हुआ है, गोताखोरों का बल लगा हुआ है, जो कि लगातार निगरानी रखेंगे कि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति तालाब में जाके मूर्ति विसर्जन नहीं करेगा। मूर्ति विसर्जन केवल वही व्यक्ति करेगा जो अधिकृत किया गया है। यहाँ पे अस्थाई नाव जो है वो बनाई गई हैं। यहाँ के लोकल स्तर पर जो काम करते हैं गोताखोर हमारे मछुआरे भाई, उन लोगों का भी सहयोग लिया जा रहा है। इसके अलावा आसपास जो पेट्रोलिंग हमारी लगातार चलती रहेगी, गलियों में, कुलियों में और तालाब आने वाले जो पहुंच मार्ग हैं, उन पे हमारी पेट्रोलिंग लगातार 24 घंटे चलती रहेगी। हम आपके माध्यम से जनता से अपील करते हैं कि असत्य पे सत्य की विजय का यह त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया जाए और कोई भी किसी भी प्रकार की अफवाह में ना आए और बहुत ही सौहार्दपूर्ण से यह उत्सव मनाया जाए। आम नागरिक के नाते जो पुलिस व्यवस्था हनुमान ताल में की गई है, आप हनुमान ताल निवासी भी हो, क्या देखा आपने और क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ की व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी हैं, पुलिस प्रशासन ने सारी व्यवस्थाएँ करके रखी हुई हैं और यहाँ के लोग भी सहयोग कर रहे हैं और समितियों से भी सहयोग की आशा कर रहे हैं हम लोग कि वो भी यहाँ पर निश्चित जगह पर जो भी बनाया गया है निश्चित जगह पर उसका विसर्जन करें। बाकी व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन की तो संपूर्ण व्यवस्थाएं अच्छी हैं। और आम नागरिकों से आप क्या कहना चाहेंगे, समिति वालों से क्या कहना चाहेंगे? मैं आम नागरिकों से यही कहना चाहूँगा कि कम से कम वो पुलिस प्रशासन अपने शहर का या अपने वो क्या बोलते हैं जिसको मतलब इसको बनाए रखें अच्छे से, हाँ सौहार्द को बनाए रखें, जिससे कि हर चीज़ मतलब यहाँ का जो कुछ भी है सब अच्छे से हो सके। वॉइस ऑफ रेड्स के जलपुर से आशीष वात्री की रिपोर्ट।